तो ये आसिफ हत्याकांड हुआ है, सबसे पहले हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है, जिन्होंने ये मर्डर किया है उन्होंने बढ़िया नहीं किया, उन्होंने इंसानियत नहीं हैवानियत को बढ़ावा दिया है। बाकी ठीक है, जो इसमें कानूनी कार्रवाई है वो डीसी कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। प्रशासन को ही हक होता है, अधिकार होता है कि वो किसी मुजरिम को क्या सजा दे क्या ना दे। ये हम और आप लोगों का काम नहीं है कि जो उसके लिए सजा दे सकें। दूसरा, मैं तो डीसी और एसपी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो पीड़ित परिवार के घर गए और उनके सुख दुखों को बांटा। दूसरा, जब ये सोशल मीडिया पर अरे हजारों तरह की झूठी अफवाहें खबर चल रही हैं कि आसिफ ये था आसिफ वो था, उसके लिए ये सजा मिलनी चाहिए थी, और जो मतलब जो गुनहगार हैं उनको बचाने के लिए अलग वो सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब, इस बात को भूल जाओ, जो सजा देगा वो प्रशासन देगा, प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। अपने आपसी भाईचारे को ख़त्म मत करो, ये सदियों पुराना भाईचारा है, इस पर इसे बना रहने दो। बात आते हैं निकिता तोमर हत्याकांड, ये किसी ने एक पोस्ट डाल दी, भाई साहब मैंने खुद ने बाइट दी थी, मैंने पोस्ट डाली थी कि जिन्होंने ये कांड किया है उनको फांसी के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि उम्र कैद हो, उसके लिए फांसी का बोला था कि उसे फांसी मिलनी चाहिए। मेरी तो आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे कोई किसी भी बिरादरी से हो, आखिर है तो इंडियन, इस चीज़ पर रहो ना, क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो आपस में, इंसानियत पर रहो। इंसान है, तुमको भी उसी अल्लाह ने बनाया है, हमको भी बस सिर्फ नाम बांट दिए। बाकी इस चीज़ का इंतज़ार करो, कोर्ट उनके लिए क्या सज़ा देती है क्या नहीं देती है। अगर वो गुनहगार हैं तो सज़ा मिलेगी, अगर गुनहगार नहीं हैं तो निकल जाएंगे। मेरे तो प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जो निर्दोष हैं उनको रिहा कर दिया जाए। किसी का बच्चा नाजायज भी नहीं पिसना चाहिए, और मुजरिम कोई बच्चा मुजरिम होकर खुला भी नहीं डोलना चाहिए। बस यही हाथ जोड़ के विनती है आप सभी भाइयों से कि भाईचारा को कायम रखो, ये गलत अफवाह पर मत चलो, गलत पोस्ट मत डालो। कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं हमारे यहाँ के, नाम तो खैर मैं लेना नहीं चाहता, भाई साहब कैसी भी कोई बात आती है, वीडियो आती है, सबसे पहले खबर चला देते हैं। अरे पहले उसकी तह में जाओ, कहाँ तक सच्चाई है इसमें, कहाँ तक झूठ है, उसके बाद करो। बस यही है।